एक तरफ तूफान, सैलाब और बर्फबारी, तो वहीं दूसरी तरफ हवा में घुल रहा है जहरीला धुआं। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां सुबह से ही धुंध की चादर फैल गई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में धुंध नजर आने लगी, जिससे लोगों को आंखों में जलन और सिर में दर्द महसूस होने लगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR में आया ये बदलाव प्रदूषण की देन है। दिल्ली में आखिर वही हुआ जिसका डर था। सुबह सुबह जब लोग घरों से निकले तो चारों तरफ धुंध नजर आई। फिजाओं में धूल और धुएं के कण तैरते महसूस हुए, जिसके बाद आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई। दरअसल पिछले 10 दिनों में दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली NCR का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां आसमान साफ नजर आ रहा हो। दिल्ली में प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित आनंद विहार इलाका रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं बवाना में 334, द्वारका में 319, नेहरू नगर में 312, आरकेपुरम में 306, रोहिणी में 353 और मथुरा रोड पर 366 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रही। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि दिल्ली में प्रदूषण कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार लगातार बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब हरियाणा में जलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ रही, मगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सर्दी में PM2.5 बढ़ने के कारणों में 28% ट्रांसपोर्ट है, जबकि उद्योग धंधे 30% प्रदूषण बढ़ाने में रोल निभाते हैं। 14% प्रदूषण घरों और कृषि क्षेत्र में कूड़ा जलाने से, जबकि 17% प्रदूषण रोड और निर्माण कार्यों के कारण बढ़ता है। इसके अलावा बाकी वजह सिर्फ 11% प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इन आंकड़ों के बाद दिल्ली सरकार भी नींद से जागी है और पर्यावरण मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। दिल्ली में व्हीकल को लेकर भी डायरेक्शंस दिए गए, लगभग 33,000 चलान इन्होंने करे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। और इसके अलावा जो लैंडफिल साइट्स हैं उसके बारे में भी बात की गई, दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा दिल्ली सरकार जल्द ही ऑड इवन फार्मूले को फिर से लागू करने की भी प्लानिंग कर रही है। हालांकि पिछली बार इससे दिल्ली की आबोहवा पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। ऐसे में दिल्ली वालों को समझ नहीं आ रहा है कि भला सांसों में जहर घुलने से कैसे रोका जाए। टीम न्यूज़ स्टेट।